नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु लोधवाल है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर नागदा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कुछ 10 सालों से चित्रकला में कार्य कर रहा हूँ और आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हिमांशु लोधवाल जिनका जन्मदिन है, तो हम सबसे पहले हिमांशु को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आइए उनसे जानते हैं उनके कलाकर्म के बारे में, उनके अर्लियर जर्नी के बारे में। तो हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी जी धन्यवाद सर। हमारा पहला ये वही था कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ और उसके पीछे के बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरीज होती हैं। सर, शुरुआती दौर में मैं एनिमेशन में इंटरेस्ट रखता था और सोचा भी यही था कि आगे जाके 2D एनिमेशन और स्टोरी बोर्डिंग में कुछ करूँगा। पर जैसे कुछ दोस्तों ने राय दी कि अभी अपनी स्किल में इतना सुधार नहीं है कि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें कि वहाँ पे आपको आगे के एडवांस स्टेज में आप सीख पाओ, तो मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया उस वजह से कि बेसिक स्केचिंग और कलर सेंस इन सबको डेवलप करने के लिए। तो वहाँ कुछ 1-2 साल रहते रहते मैंने NID वगैरह और दूसरे इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम भी दी थी। पर फिर इंटरेस्ट पेंटिंग में ज़्यादा हुआ, तो 3rd ईयर के बाद से फिर मैंने सोचा कि अब पेंटिंग ही करते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद से मैंने पेंटिंग ही शुरू की। ओके, तो जैसे इंदौर कॉलेज में एक समय या अभी भी एब्स्ट्रैक्शन का काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा है, तो क्या आपने भी शुरू में एब्स्ट्रैक्शन में आपकी रुचि दिखाई या फिर आप हमेशा से फिगरेटिव काम करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही सही एकदम सवाल है, क्योंकि शुरुआती दौर में इन्फ्लुएंस काफ़ी सारा रहता है, हर किसी पे रहता है। और शुरुआती दौर में तो मुझे लगता है मोस्टली इंदौर कॉलेज में तो सारे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट ही करते हैं, और मैंने भी 4th ईयर तक एब्स्ट्रैक्ट ही किया। ओके, 4th ईयर के बाद से थोड़ा बहुत घूमना फिरना और पढ़ना चालू किया, तो उसके बाद प्रीवियस में मैंने फिगरेटिव काम शुरू किया दरअसल, और उसके बाद से अभी तक फिगरेटिव ही कर रहा हूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एब्स्ट्रैक्ट से फिगरेटिव पाऊंगा, पर वो जर्नी आपकी चलती रहती है और फिर थोड़ा 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 कुछ आप सोचते रहते हो कि आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि ताकि आप एब्स्ट्रैक्ट में कुछ बोल पाओ, तो मैंने सोचा कि फिर आप फिगरेटिव चालू कर। सही। तो इसमें जैसे आपके हर एक अलग अलग काम में अलग अलग एक तरह से आप व्यंग को रखते हैं, मैंने कई काम आपके देखे हैं जिसमें एक व्यंग्यात्मक छवि होती है, या छवि ना हो तो उसका जो टाइटल होता है सेंस, व्यंग्यात्मक हाँ। व्यंग्यात्मक होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक सोसाइटी को इस तरह से मैसेज देता है जिससे हाँ। आप व्यंग के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। तो ये चीजें कहाँ से आई, मतलब कैसे इंस्पिरेशन सर, होला इसका? पहले तो जैसे मैंने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को मतलब सर्च किया कि ये लोग, ऑब्वियस सी बात है कोई जब आर्ट स्टूडेंट रहता है तो वो बड़े कलाकारों को सर्च करते हैं कि यार ये इतना बड़ा कैसे है, हम देखते हैं इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ बड़े कलाकारों के नाम पता चले, जैसे जितेश कल्लड, शिल्पा गुप्ता और काफ़ी सारे लोग। तो जब इनके काम के बारे में पढ़ा तो ये लोग इतना डेंस काम करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी की जो विजुअल एक्सपेक्ट होती है कि यार इसका कुछ पौधा है तो हमें पौधा क्यों नहीं लग रहा है, इस वजह से मुझे काफ़ी मतलब लगता था उनका काम कि यार ये तो बहुत एडवांस स्टेज पे है। हमको समझने मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लग रहा है उनके काम को, बिल्कुल तो एक नॉर्मल पर्सन भी हमारी चीज़ों को समझ सके। तो मैंने उस तरीके सोचा कि यार क्यों ना, जरूरी थोड़ी ना कि हम उन सब चीज़ों को लेके काम करें, हमारे थॉट और विजुअल एक्सपेक्ट भी उतने रहे कि उनकी स्टेज पहुंचा जा सके। तो बिल्कुल जैसे जैपनीज आर्टिस्ट वगैरह है तो उनको भी काफ़ी पढ़ा था, तो एक याशितोमो नारा करके एक आर्टिस्ट हैं, जैपनीज आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी सिंपल काम करते हैं, वो उनकी बच्चियों को पेंट करते हैं अधिकतर। ओके हाँ, तो मैंने सोचा कि हम भी कुछ अपने इंडियन सब्जेक्ट को उठा के कुछ 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 कुछ, तो शुरुआती काम सारे जो है कुछ 5 या 6 पेंटिंग मेरे MFA प्रीवियस के, तो वो मैंने इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को लेके ही किए थे। ओके एक मेरे सामने आपका एक काम है मिठू मिठू तोता करके, हाँ 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 ये इस तरह के टाइटल वो आपको कैसे सूझते हैं? ये सर मैं बड़ा मन है मेरा रीमा भारती का, अगर आपने पढ़ा हो कभी कॉमिक्स वगैरह, तो रीमा भारती एक पुरानी राइटर हैं और वो काफ़ी अच्छा लिखती हैं, और
अधिकतर फिक्शनल नॉवेल जो पुराने आते थे कि किसकी किसी के बारे में, उसकी हत्या कैसे हुई, उसका ये कैसे हुआ, उसका ये कैसे हुआ, वो सारा मतलब बहुत ही एकता कपूर सीरियल टाइप उसकी बुक्स होती हैं, तो वो मैं काफी पढ़ता था उस वक्त। तो टाइटल सारे वैसे के वैसे अभी तक मेरे हैं। और पेंटिंग का एक्सपेक्ट तो जो आपकी कलर पैलेट वगैरह है वो तो आपकी खुद की रहती है, बिल्कुल, तो वहां से आया है सारा चीज़, सारी चीजें। आपके काम में एक इंडियन माइथोलॉजी का भी टच है, जैसे मैं इसमें एक देवी देवताएं और दूसरे और भी चीजें हैं, जैसे इसमें इनको क्या बोलेंगे, जो समुद्र मंथन के बीच में वो नाग के ऊपर बकासुर वो लेके पृथ्वी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो जातक स्टोरी या इंडियन माइथोलॉजी से आती है। बिल्कुल 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 सर आती है। और एक हम लोगों ने कैंप भी किया था सर मिनिएचर स्टाइल में, भारत भारत नहीं सॉरी वो ट्राइबल म्यूजियम में हुआ था, तो कुछ 10 या 15 दिन का हुआ था। तो काफी मतलब जम्मू और शिमला से काफी सारे मिनिएचर आर्टिस्ट आए थे, तो उन लोगों ने काफी सारी कहानियां और जो उनके जो सब्जेक्ट रहते थे वो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ अपने को भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए ताकि लोगों को सिंपल सी चीजें बहुत अच्छे तरीके समझा पाए अपन, बिल्कुल और उसमें अपना थोड़ा भाव भी रहे पेंटिंग का। बिल्कुल, तो वो सारे सब्जेक्ट सर मुझे लगता है वहीं से आए होंगे। और जो नॉर्मल व्यूअर जो हमेशा देखते हैं जब आपके एग्जीबिशन होते हैं, तो किस तरह के आपको कमेंट्स मिलते हैं नॉर्मल व्यूअर्स से? मुझे लगता है सर एक जब मेरे जो सारे समकालीन मेरे दोस्त हैं वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, और उनके बीच जब मेरा कोई ग्रुप एग्जीबिशन लगता है तो वो एकदम से रुकते हैं उस पेंटिंग के सामने और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जो मैं खुद भी इमेजिन नहीं करता हूँ कई बार, कि अच्छा ये कहाँ से आया। तो और तो मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता हो मैंने कहीं कार्टून देखा हो तो फिर वहाँ से हाँ कुछ चीज़ें आ गई हों, तो बोलते कि आप कार्टून देखते हैं, तो मैं क्या उसमें कौन सी बुरी बात है कार्टून देखने में। बिल्कुल तो मैं आज भी कार्टून देखता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, कार्टून बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें क्या है। बिल्कुल, खुद को सरल रखना बहुत मुश्किल हाँ काम है। हाँ 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 ये एक काम है आपका, मेरे पैसे कब देगा ऐसा लिखा मेरे हुआ पैसे है कब देगा। हाँ इसके पीछे की कोई बिहाइंड स्टोरी इसके है इसके पीछे की सर सारे लोगों को पता होगी शायद, ये हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े उन चीजों को लेके हैं कि हम उनको बोलना पड़ता है कि भाई पैसे दिए हैं, जरूरत पड़ रही है तो अब हमारे पैसे आप दीजिए। अब बिल्कुल वो क्योंकि पिछले साल का है वो स्केच और वो कोरोना चल रहा है और सबको अपनी अपनी आर्थिक स्थिति पता है, तो हम सबको फोन कर रहे हैं कि अब हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो, तो ये वीडियो के माध्यम से भी आप मैसेज दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि जिस जिसने हमारे पैसे लिए भाई अभी हालत खराब है थोड़ी, तो कृपया आप पैसे दे दें। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा एक ये है कि नए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट है, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये अभी एक पेंडेमिक टाइम है, घर पे हैं, तो एक स्टूडियो में बहुत अधिकतर समय जा रहा है, तो उन नए लोगों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है सर नए लोगों के लिए तो खास बात यही है कि वो जितना हो सके किसी म्यूजियम और आर्ट कॉलेज और जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें और उनके बारे में थोड़ा सर्च करें, उनको पढ़ें, क्योंकि वो मोस्टली सारे बच्चों का सवाल यही रहता है किससे, या मुझसे तो अधिकतर लोगों ने पूछा है कि सर कैसे हम आगे प्रोसेस करें इन चीज़ों को लेके, सर बड़े आर्टिस्ट बड़े कैसे बनते हैं, वो तो ऐसा पेंट करते हैं वो इतने फेमस क्यों हैं। तो बिल्कुल उनको उनकी कम से कम उनकी जर्नी और उनका स्ट्रगल तो उन्हें पता चलना चाहिए, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा पढ़ें उस चीज़ के बारे में खुद बिल्कुल की, जैसे पोएट रहता है तो अपनी कविता वो दूसरों को सुनाता है, तो कम से कम हम आर्टिस्ट हैं तो हम कम से कम दूसरों की पेंटिंग को देखें उनके बारे में जानें, कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। आपका स्टूडियो में कितना समय देना होता है लगभग नॉर्मली? सर मेरा पेंटिंग थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं कम से कम 4-6 घंटे तो मुझे हो ही जाते हैं कम से कम एक पेंटिंग को लेके, मुझे करता हूँ तो पर डे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप इसी तरह से प्रगति पथ पर चलते रहें, जी जी और सर आने वाले समय में हम आपका स्टूडियो लाइव विजिट करेंगे, वो भी इसी के जरिए, कि जो भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि नए नए काम क्या चल रहा है स्टूडियो में, तो वो देखना होता है, तो हम एक एक बिल्कुल सेशन ऐसा शुरू करेंगे कि फिर वो स्टूडियो विजिट का रहेगा, तो दूसरे लोगों को भी बहुत प्रभावशाली ये रहेगा। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत सर बहुत शुभकामनाएं, और जन्मदिन की भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी सर, धन्यवाद। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।